चरोदा स्थित पंचशील नगर में महाभंडारे के साथ श्री अयप्पा स्वामी पूजा का समापन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। गौरतलब है कि मंडला पूजा दक्षिण भारत में आयोजित होने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण पूजा है। ये पूजा सबरीमाला अयप्पा मंदिर में आयोजित की जाती है। मंडला पूजा पूरे 41 दिनों तक चलती है। इस साल मंडला पूजा की शुरुआत 27 दिसंबर से हुई। इस साल पौष महीने का आरंभ भी इस दिन से ही हुआ। मंडला पूजा को मंडला कलाम के नाम से भी जाना जाता है। ये पूजा भगवान अयप्पा के भक्त बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे माना जाता है कि इस पूजा के दौरान साधक को सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार मंडला पूजा ही एक ऐसी पूजा है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। मंडला पूजा सभी प्रकार के लोग कर सकते हैं। इस दौरान जो लोग इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान अयप्पा की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस वर्ष भी यहाँ करें मंडल पूजा किया गया है और इरमड़ी का कार्यक्रम जो है 6 तारीख को माता मंदिर से रवानगी होगा। सबरीमाला जा रहे हैं, वहाँ पर भगवान जी को इरमड़ी वहाँ करने रख के घी का अभिषेक करवाएंगे। कार्यक्रम पर दिवस अयप्पा स्वामी माला धारण जो जो किए हैं 41 डेज अने 41 दिन माला पहन के यहाँ से केरल सबरीमाला अयप्पा स्वामी के दर्शन के लिए यहाँ से जाते हैं। वो निष्ठा और नियम से जाकर उनको स्वामी को ब्रह्मचारी का रूप से अभिषेक करते हैं। वहाँ पर अभिषेक करने के बाद यहाँ पर 41 डेज यानी 40 दिन ठंडा पानी नहाना है, दीक्षा में रहना है। इसका साथ साथ अभी 6 तारीख को इरमुड़ी कार्यक्रम रखा गया है हमारा सोलापुर शीतला माता मंदिर में। आप सभी जितने हैं आप सभी आने का उपस्थित होकर स्वामी जी के आशीर्वाद को प्राप्त करें। बहरहाल ये पूरा आयोजन चौदह स्थित पंचशील नगर में बने दुर्गा मंच पर किया गया। इस आयोजन में अप्पा राव गुरु स्वामी वासु स्वामी एवं आसपास के लोगों का पूरा सहयोग रहा। वहीं पूजा की समाप्ति के बाद वहां महाभंडारे का भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।